एंड वेलकम टू टेली टॉकीज। दोस्तों, बिग बॉस सीजन 16 के घर के अंदर खुल चुकी है शिव की पूरी पोल, क्योंकि सलमान खान ने वीकेंड के वार में दिखाया शिव ठाकरे का वो वीडियो, जिससे पता चला कि कितना आता है शिव को गुस्सा। क्या है पूरी खबर, चलिए हम आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में टेली टॉकीज की। पर अगर नहीं किया है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों, शिव ठाकरे जो कि बिग बॉस सीजन 16 में अर्चना के ऊपर वॉयलेंस का, भातापाई का, थप्पड़ मारने का इल्जाम लगा रहे हैं, आपको बता दें कि शिव का गुस्सा बहुत बुरा है और खुद शिव ठाकरे के साथ बिग बॉस मराठी का हिस्सा रह चुके कंटेस्टेंट अरोहो वालेंकर ने इस बात का खुलासा किया है। जी हाँ, उन्होंने बताया है, खुद अपने ट्वीट में इस बात को लिखा है कि जब शिव ठाकरे ने मुझे मारा तब मैंने भी यही सोचा था कि बिग बॉस को उसको निकाल देना चाहिए, लेकिन ये नहीं हुआ। मुझे शिव को माफ़ी नहीं देनी चाहिए थी। जैसा शिव पत्थर दिल बना रहा, मुझे भी वैसा ही बना रहना चाहिए था। वेल, ये ट्वीट जैसे ही वायरल हुआ, वैसे ही सलमान खान ने भी वीकेंड के वार में बिग बॉस मराठी की वो क्लिप दिखाई जहां पर शिव ने हाथ उठाया था और शिव ने उसके बाद माफ़ी मांगी थी, जिसके बाद सभी कंटेस्टेंट हैरान हो गए। सलमान ने कहा, शिव तुमने बिग बॉस मराठी में जो चालबाजी की है, जो गेम खेले हैं, वो इस घर में मत खेलना, क्योंकि वहां पर मैं नहीं था, यहां पर मैं हूं और मैं अकेला ही सब पर भारी हूं। मेरे साथ गेम अगर खेला तो उसका नतीजा क्या होता है, ये तुम्हें मैं आज बता ही चुका हूँ। और हाँ, जो वॉयलेंस तुमने उस घर में करा वो वहीं रहने देना, और अगर तुम्हें ये लगता है कि अगर कोई गलती करता है, हाथ उठाता है या वॉयलेंस करता है, वो भी प्रवोक किए जाने पर, तो उसको माफ़ी नहीं देनी चाहिए। तो तुमने माफ़ी क्यों मांगी थी बिग बॉस मराठी में? तुमको तो माफ़ी मिल गई थी ना, तुम्हारे सामने अर्चना गिड़गिड़ाती रही, तुमसे माफ़ी मांगती रही, जबकि तुम्हारा दिल जानता था, तुम्हारी आत्मा जानती थी कि तुमने अर्चना के साथ जानबूझकर सब कुछ प्लानिंग के तहत किया था, तुम्हें शर्म नहीं आई? जिसके बाद शिव ठाकरे अपना सर झुका लेता है, क्योंकि उस वीडियो में साफ दिख रहा होता है कि शिव को एंगर इश्यूज हैं। वेल दोस्तों, आप क्या कहेंगे इस पर, हमें कमेंट्स में आप ज़रूर लिख कर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।